आगे सरकाइए। जब भी इन हालात में मैंने जानवरों की खाल उतारी है, तब हमेशा फ्रॉस्ट बाइट होने का खतरा बना रहा है, और -32 डिग्री के तापमान में ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। अगर चाकू कहीं भी मेरी त्वचा को छू लेगा तो उससे चिपक जाएगा। मुझे ये काम जल्दी निपटाना है, वरना ये लाश भी जमकर ठोस हो जाएगी और मैं भी जम जाऊंगा। ये लाश 20 मिनट में जमकर ठोस हो जाएगी और शायद मेरा भी वही अंजाम होने वाला है। आज यहाँ का तापमान दिन भर -32 डिग्री पर टिका रहा, इसीलिए कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है। अब मेरी उंगलियां सुन पड़ने लगी हैं, मैं उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे साथ ही चिल्ला रहे हैं, जल्दी करो। ये इसका बुरा हिस्सा है, मगर इस तरफ ये काफी गर्म है। इससे काफी फर्क पड़ सकता है। ठीक है, इसका पेट साफ करता हूं। काम है तो थका देने वाला, लेकिन आप रुक नहीं सकते और बाद में मेहनत का अच्छा इनाम भी मिलता है। मैं ये देखकर हैरान हूं कि इसकी चर्बी जमकर बिल्कुल ठोस हो चुकी है। आप तो जानना भी नहीं चाहेंगे कि इसकी बदबू कैसी है। मैं इस याक के अंदर से प्रोटीन से भरी खाने की वो चीज निकालना चाहता हूँ जो इन हालात में मेरी बहुत मदद करेगी। मुझे भी 2-1 लोगों की तरह इसका लिवर चाहिए जो पोषक तत्वों से भरा है। ये देखिए, मैं इसी की तलाश में था। इसे देख रहे हैं आप, ये इसके लिवर का टुकड़ा है और इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आयन होता है। 2-1 लोग मानते हैं कि ये खून को साफ करता है, इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। पर मैंने कभी इतना कच्चा और इतना गर्म लिवर नहीं खाया है। इतनी गर्म चीज खाकर अच्छा लग रहा है, पर हम इसे स्वादिष्ट खाना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात है, इन हालात में इससे अच्छा कुछ नहीं। और इसे निकालने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन इससे मुझे काफी ऊर्जा मिलेगी। लेकिन सच कहूं तो इसे खाना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे इस याक की एक और चीज चाहिए जिसे 2-1 लोग बड़े चाव से खाते हैं, इसकी पुतलियां। ये देखिए, मैंने इसे निकाल लिया। आप देख सकते हैं ये बड़े कंचे जैसी लग रही है और पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। जवाब चाहिए या लंबा? छोटा ही सुनिए, गंदा स्वाद है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मुंह में खून, पस और कई गंदी चीजें भर गई हैं। मुझे इस याक से कुछ नहीं चाहिए। ठंड लग रही है, अब मुझे उल्टी आ रही है। यहां से निकलना ही अच्छा है। चलिए, 2-1 अब मुझे कैंप बनाना सिखाने वाले हैं जिसके अंदर मैं साइबेरिया की सर्दियों की ठंडी रात बिता सकता हूं। मुझे बहुत ठंड लग रही है, पूरा शरीर ठंड से बेहाल है। लगता है मेरी सहन शक्ति का इम्तिहान हो रहा है।